गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्यारहवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे पाठ की हम शुरुआत करते हैं। पाठ का भावार्थ मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे रजनी जो है, और लीला और रजनी दोनों मित्र हैं, और लीला का बेटा जो है वो किसी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में मैथ्स में कम अंक आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रजनी जो है वो किस तरह से संस्था के सामने, अर्थात ये जो एजुकेशन फील्ड है उसके सामने वो किस तरह से अपना जो दायित्व है, अपना व्यक्तित्व है वो उभार कर रखती है, उसके ऊपर यहाँ पे ये पाठ प्रस्तुत है। और ये एक धारावाहिक, इसके ऊपर ये सीरियल भी बनी थी। अब पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। ये नाटक की तरह है, तो यहाँ पे पात्र के नाम भी लिखे हैं और वो जो संवाद है उनके वो लिखे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर, क्योंकि सीधा और सरल ही पाठ है ये, तो एक एक पन्ना यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। अब ब्रैकेट में लिखा है, मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बायां दरवाज़ा खोलती है, रजनी का प्रवेश। मतलब यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार का यहाँ पे वर्णन किया गया, जो फ्लैट में रहता है। एक औरत जो है, महिला जो है, वो खाना पका रही थी, उसी समय घर में घंटी बेल बजती है और वहाँ पर रजनी की एंट्री होती है। अब वहाँ से देखते हैं, रजनी, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला, ब्रैकेट में लिखा है, रसोई में से हाथ पोछती हुई निकलती है, चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं कहीं नहीं गया है। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। अब यहाँ पे रजनी जो है लीला के घर पे जाती है, उनको किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन लीला कहती है कि नहीं, समय तो है, लेकिन यहाँ पे अभी अमित जो है, आज इसको उसके स्कूल का रिजल्ट है, तो वो अभी आ ही रहा होगा घर पे। तो यहाँ पे रजनी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने मित्र लीला से कहती है कि तब तो यहाँ पे बढ़िया, मतलब अमित जो तो पढ़ने में होशियार है, तो मतलब उसका फर्स्ट तो आ ही जाएगा, फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड तो कहीं नहीं गया, तो सेकंड नंबर तो ला ही देगा। इसके लिए वो कहती है कि सूजी के हलवे से काम नहीं चलेगा, मुँह मीठा करवाना पड़ेगा। तब लीला बहन कहती है कि नहीं, यहाँ पर उसने पहले से ही ये केसर या रसमलाई मंगवा के रखी है, जो अमित को बहुत पसंद है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई। बाहर बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देते। लीला, कैसी बात कर रही हो, मैं एक बार काट भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रस मलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊँ, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी, दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। अब यहाँ पे दोनों को बाहर जाना था, लेकिन दोनों अमित के रिजल्ट आने का राह देख रहे हैं। यहाँ पे रजनी कहती है कि यहाँ पे मैं आई तो मुझे मिठाई की खुशबू आ जाती है, दोनों हंसने लगती हैं, बातें करती हैं। यहाँ पे जो लीला है वो रजनी से कहती है कि मैं घर में कोई भी चीज़ बनाऊं या बाहर से लाऊं, लेकिन फिर भी अमित जो है वो पहले तुम तक कोई भी चीज़ लाता है, फिर हम घर में खाते हैं। तो इस तरह से, मतलब रजनी आंटी जो है, मतलब वो अमित की हीरो है, अमित रजनी आंटी को बहुत ही मानता है। इस तरह से दोनों सहेलियाँ जो है वो दोनों बात करती हुई खिलखिलाकर हंसती हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे, रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है, लीला एक तरफ से दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलती है, अमित का प्रवेश। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाती हुई आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता हुआ, अमित ले लो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि
कि मैथ्स की भी मेरे ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर नहीं आ सकते, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है, रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपने बाहों में भरकर, लीला पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, वहाँ यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट दे सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखती हुई, पर मिले तो कुल 72 ही हैं, फिर दूसरे विषयों के नंबर भी तो पढ़ने लगती है, इंग्लिश में अच्छे, हिस्ट्री में, उसके बाद हिंदी, ड्राइंग, सब सबसे कम मैथ्स में ही हैं। अमित गुस्से और दुख से, कम तो हो गए ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर ले वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। अब यहाँ पे दोनों जब हंस रही थी, ठीक उसी समय यहाँ पे घंटी बजती है, अमित रिजल्ट लेकर आता है। यहाँ पे रजनी सोचती है और लीला से अपनी मित्र से कहती है कि देखना अमित बहुत होशियार है, आगे जाकर कुछ ना कुछ वो ज़रूर एक कामयाब इंसान बनेगा। तब लीला कहती है कि हाँ सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। अब यहाँ पे दोनों जब बात कर रही होती है, ठीक उसी समय वहाँ पे अमित पहुँच जाता है। अमित यहाँ पे उसके चेहरे पर उदासी है, दोनों का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता है। दोनों यहाँ पे अमित को पहले से ही रजनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब उसका यहाँ पे बधाई देने के लिए उसके घर में मौजूद थी। अमित यहाँ पे रिजल्ट निकाल के अपनी माँ की ओर दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे रिजल्ट में क्या हुआ है, पहले ही कहा था मेरा मैथ्स का, गणित का जो विषय है उसका मतलब रिजल्ट देखो मेरा कैसा है, पहले ही कहा था कि मेरा ये जो गणित का सब्जेक्ट है उसके एक स्कूल के सर के पास ही मेरा ट्यूशन करवा दो, लेकिन आप नहीं माने, देखो आप मेरे कैसे नंबर आए। रजनी उसकी रिपोर्ट लेती है और सारे के सारे नंबर जो उसके मार्क्स है वो पढ़ने लगती हैं, सब में अच्छे मार्क्स थे सिवाय मैथ्स में। अब यहाँ पे रजनी जो है, अमित गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा परेशान है, रोने लगता है। यहाँ पे रजनी जो है वो सारे के सारे रिपोर्ट में जितने सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए होते हैं वो पढ़ने लगती हैं। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेज़ी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेज़ी में करवा दी थी ट्यूशन, अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस, बेटे अपनी आर्थिक मजबूरी की बात का वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती हैं, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की मुँह में एकाएक बल पड़ जाती है, वो रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस, कुछ देर रुककर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित नहीं, जो के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे सारे सवाल। रजनी मैथ्स के सर कौन है? अमित मिस्टर पाठक। रजनी कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्म के बाद से 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला हाय, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका, तो अब अगर ईयरली भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे, 7 लड़कों ने तो शुरू कर भी दिया है। अब यहाँ पे बातचीत होती है, अमित परेशान होता है, रोने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि अपनी माँ से कि मेरा मैथ्स का ट्यूशन लगवा देते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लीला जो है वो अमित को समझाती है कि इंग्लिश में तुझे परेशानी थी तो इंग्लिश का ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन मैथ्स में, यहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार को ट्यूशन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे रजनी जो है वो अमित को चुप कराती है और फिर उससे प्रश्न पूछती है कि तूने घर पे आके सारे हल किए थे पापा के सामने, तब सब ठीक था? तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर रजनी पूछती है कि तूने सबसे पहले किसी से देखे तो नहीं थे? तो अमित कहता है कि नहीं, मैंने डायरेक्ट वहाँ से आकर तुरंत ही उसको हल कर दिया था। फिर रजनी वापस उससे पूछती है कि मैथ्स के सर का नाम क्या है?
उनके पास कितने बच्चे जाते हैं। तब अमित सारी बात रजनी को बताता है कि पहले 7 ही बच्चे थे, फिर धीरे धीरे जो पहली परीक्षा गए उसके बाद से 15 बच्चे हुए, और फिर आधा साल बीत गया तब तक उनके पास 22 बच्चे हो गए। अब जब यहाँ पे एक परीक्षा गई तब आधा साल स्कूल का ख़त्म हुआ, तब यहाँ पे लीला ने रजनी को बताया कि उसके मैथ्स में करीबन 96 आए थे, तब उसके अंक अच्छे थे। उसी समय सर ने कहा था कि ट्यूशन लगवा लेना, अभी तो आधा साल ही हुआ है, मतलब अंतिम पूरा साल ख़त्म होते होते इसमें और भी मतलब ये जो 4 अंक हैं वो बढ़ जाएंगे अगर तुम मेरे पास ट्यूशन लोगे तो। तो यहाँ पे ये बात अमित के दिमाग में घर कर गई थी। सो इस बात को लेकर वो अपनी माँ लीला बहन से यहाँ पे बहस कर रहा था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यहाँ से उसे आगे के पार्ट की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।